डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो देखोगे यहाँ पे इट इज ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये प्रोवाइड करते हैं किसी भी ट्रायंगल्स का साइड्स और एंगल के बीच का आपका रिलेशन। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अब यहाँ वर्ड देखोगे, अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे बना है। तो देखोगे ट्राई मीन्स हो गया थ्री, और गोन मीन्स हो गया साइड्स, और मेट्रोन मीन्स हो गया मेजर, यानी मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स कोई हम लोग क्या बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो और एक बात याद रखोगे, हम लोग जो क्लास टेंथ की बुक में जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सम्स करेंगे, ये सभी हम लोग किस ट्रायंगल पे डिस्कस करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा है थीटा, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रीक लेटर में, इसे हम लोग बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो एंगल को जो डिनोट करेंगे हम लोग थीटा से डिनोट किए। तो यहाँ हो गया साइन ऑफ थीटा, दैट मीन्स साइन एंगल आपका थीटा। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं, यानी हो गया ये हो गया सपोज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। अगर इसे हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा, इस एंगल को, ठीक है, ये वाले एंगल को अगर हम थीटा ले लें, तो याद रखोगे जो भी एंगल होगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल हम लोग निकालेंगे या फिर आपका गिवेन हो, उसके अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आप हमेशा याद रखोगे, इसे हम लोग बोलेंगे पी। ठीक है, और ये 90 डिग्री का अपोजिट, ये तो फिक्स्ड ही होता है, ये हाइपोटेनियस पढ़ के आए हो, और ये हो गया इसके सामने वाला जस्ट, या जो एंगल होगा उसका अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, और सामने वाला होगा आपका बेस। ठीक है, तो देखोगे अब यहाँ पे है साइन थीटा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड देन कोट। तो यहाँ देखोगे साइन थीटा दैट मीन्स होगा आपका पी बाई एच। अब P बाई एच मीन्स अगर हम इसे अगर सपोज A, B एंड देन C ले लें, तो हमारा थीटा कौन सा एंगल है, तो C एंगल है ना, यानी साइन ऑफ थीटा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ C, दोनों इक्वली है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया P बाई एच, दैट मीन्स P मीन्स हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी ए बी, और H हो गया आपका AC। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें cos थीटा, तो ये होगा B बाई एच। तो cos ऑफ अगर हम थीटा ले, तो अब इसके लिए B, ये हो गया B बाई एच। तो B अगर आप देखोगे तो ये है ना B, BC, तो ये हो जाएगा आपका BC बाई एच, मीन्स AC हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हमारे पास आया टेन, तो टेन के लिए होगा, ये हो गया आपका P बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अगर हम यहाँ इसको लिखें टेन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई बी, दैट मीन्स P हो गया आपका ए बी बाई बेस हो गया बी सी, दैट मीन्स हो गया आपका हाँ चलो अभी यहीं पे इसको रखते हैं, आगे अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कोसेक को देखते हैं। तो देखोगे साइन जो होता है ना कोसेक का रिवर्स, ठीक है, साइन इज इक्वल्स टू वन बाई कोसेक थीटा। यहां से एक रिलेशन भी आएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अगर आप इसको इस साइड लाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो वन होगा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल है, तो ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, फिर कोसेक थीटा हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दोगे एच बाई बी, ये हो गया एच बाई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का, यानी अगर हम सेक थीटा को लिखें तो ये हो जाएगा, यानी ये सेक किसका उल्टा होगा, कोस का, तो कोस क्या है बी बाई एच, यानी उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, नेक्स्ट टेन का ये उल्टा होगा, यानी आप रेसिप्रोकल लोगे तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा, दैट मीन्स कोट थीटा इज इक्वल्स टू
ये हो जाएगा 1/10, यानी आप उल्टा कर दो इसको, बी बाई बी। तो ये जो है ना साइन कोस टेन, उसके बाद कोसेक सेक एंड देन कोट, ये पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, आप इसको लर्न कर लोगे। तो लर्न इजी है, अब देखे भी होगे। अगर मैं इसको यहाँ से अगर इस तरह से दिखाऊँ आपको, पी बाई एच एंड देन बी बाई एच एंड देन पी बाई बी, अगर इसको ऐसे बोलूँ पंडित बद्री एंड देन प्रसाद, ये हो गया हर हर भोले, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। बट उससे इजी ट्रिक्स ये है कि जस्ट याद रखोगे ये दो का, साइन के लिए होगा पी बाई एच, कोस के लिए होगा बी बाई एच, बाकी आप ऑटोमेटिक सभी निकल जाएगा। कैसे? तो साइन का रिवर्स क्या होगा, यानी उल्टा आप बोलोगे तो कोसेक होगा, तो बस एच बाई बी होगा, अच्छे एच बाई सॉरी एच बाई पी होगा। नेक्स्ट कोस का अगर उल्टा देखे तो ये होगा आपका सेक थीटा, दैट मीन्स सेक थीटा क्या होगा, अब इसको उल्टा कर दो, एच बाई बी हो गया। अब देखोगे टेन, तो टेन थीटा ये देखोगे आप, टेन थीटा आप याद रखोगे इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है ना। तो साइन बाई कोस, अगर साइन है पी बाई एच और कोस है बी बाई एच, तो एच एच कैंसिल होगा तो पी बाई बी, है ना, पी बाई बी। तो ये सारे ऑटोमेटिक ही निकल जाएंगे, जस्ट ये दो अगर आप याद रखोगे तो, पी बाई एच बी बाई एच। ओ वी जी है, देखोगे साइन और कोस में दोनों एच क्या है, हाइपोटेनियस नीचे, बस साइन क्या करोगे, साइन के लिए परपेंडिकुलर लेना और कोस के लिए बेस लेना, बाकी ऑटोमेटिक सभी निकल जाएंगे। बस ये याद रखोगे साइन का उल्टा कोसेक होगा, कोस का उल्टा सेक होगा, और टेन साइन बाई कोस होगा, और टेन का उल्टा होगा कोट थीटा। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं आगे, पहले इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप लोग को पता ही होगा कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, तो दो एंगल का अगर सम, सपोज ए और बी दो एंगल हैं, इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें निकालना है कम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो देखोगे तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो लेते हैं यहाँ पे ए बी एंड देन इसे ले लेते हैं सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे फर्स्ट वाला जो है साइन 90 माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू कोस ए। अब 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कोस ए, ये कैसे होगा? तो यहां देखोगे सपोज ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पे अगर हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलूं तो कौन सा होगा, ये एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, क्योंकि एंगल बी तो 90 डिग्री है और ए और सी को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 90 होगा, है कि नहीं, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्लियर हो गया? तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी आपको मिला कितना, 90 डिग्री। अगर हम एंगल सी के लिए बोलूँ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस ए लिख सकते हो आप, ठीक है। तो देखोगे फर्स्ट वाले को मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं कोस से। तो एंगल ए के लिए अभी मैंने बताया था जिस एंगल को लोगे या फिर आपको लेना है तो परपेंडिकुलर क्या होंगे, उसके अपोजिट। तो एंगल ए का अपोजिट कौन है, ये है ना बी सी, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये सामने वाला जो है ना ए बी, ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है ना, तो इसको आप लिख सकते हो बेस बाई हाइपोटेनियस। मैंने बताया था ना कोस और साइन के लिए हाइपोटेनियस नीचे, जस्ट साइन के लिए याद रखोगे पी ऊपर और कोस के लिए बी ऊपर, बस बाकी सब ऑटोमेटिक ऐसे ही निकल जाएंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ देखोगे अब ये कोस ए इज इक्वल्स टू बी बाई एच, तो अब इसके लिए बी क्या होगा, ये होगा ना ए बी, और एच ये हो गया ए सी, ठीक है, ये मिला। अब हम आते हैं इस साइड लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ 90 माइनस ए, तो यहाँ देखोगे अब मैं इसको साइन ऑफ 90 माइनस ए या फिर साइन ऑफ एंगल सी लिख सकता हूँ ना, क्यों, 90 माइनस ए
अब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू आप सी लिख सकते हो, तो अब ये लिखो या फिर ये, दोनों एक ही है, साइन ऑफ एंगल सी या फिर 90 माइनस ए। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए साइन ऑफ सी लिखा। अब यहाँ पे एंगल सी को देखोगे तो एंगल सी कहाँ है, तो ये है ना, तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो मैं अंदर ही दिखाता हूँ आपको, ये वाला हो जाएगा ना परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा सामने वाला बेस। तो अब आप इसको लिख सकते हो P बाई एच, एच नीचे साइन है तो P ऊपर, क्लियर, बस यही याद रखोगे। अब इसको आप लिख सकते हो ए बी, एंड देन अब ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ए सी। तो अब इस वाले को देखो और इस वाले को देखोगे ध्यान से, कोस ए ए बाई ए बी बाई ए सी मिला, और साइन 90 माइनस ए, ये भी तो आपको ए बी बाई ए सी ही मिला ना, है कि नहीं, तो याद रखोगे साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कोस होगा। उसी तरह से सेम प्रोसेस से हम लोग इसे भी प्रूव कर सकते हैं, टेन 90 माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू कोट। तो याद रखोगे साइन कहाँ चेंज होगा, कोस के साथ, टेन किसके साथ चेंज होगा, तो टेन अपना रेसिप्रोकल यानी अब जिसका उल्टा यानी हम लोग किए थे जो कोट, तो कोट के साथ ही चेंज होगा। ठीक है, और सेक किसके लिए चेंज होगा, जब साइन और टेन निकल गया, यहाँ पे कोस और टेन, कोस और कोट चला गया, तो बचा क्या आपके पास, सेक और कोसेक, तो सेक चेंज हो जाएगा कोसेक के साथ। कंसेप्ट क्लियर, तो सेम प्रोसेस अब ये उल्टा भी होते हैं, उल्टा मीन्स अब यहाँ पे कोस ए था, तो यहाँ पे कोस अगर 90 माइनस ए ले तो कोस किसके लिए चेंज होगा, कोस चेंज होगा साइन के लिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कौन किसके साथ चेंज होगा, साइन चेंज होगा कोस के लिए, कोस चेंज होगा साइन के लिए, टेन चेंज होगा कोट के लिए, कोट चेंज होगा टेन के लिए, और सेक चेंज होगा कोसेक के लिए, और कोसेक चेंज होगा सेक के लिए। क्लियर ना, देखोगे कोट 90 माइनस ए टेन ए, कोसेक 90 माइनस ए सेक ए। क्लियर हो गया कंसेप्ट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। अभी हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखेंगे, उसके बाद और एक टॉपिक रह जाएगा आइडेंटिटीज। ठीक है, तो पहले इसको रफ कर लेते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखोगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अब लर्न होना ही पड़ेगा, अगर लर्न नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में आप नहीं कर पाओगे। तो जैसे हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो देखोगे तो अगर लर्न है तो ठीक है, अगर नहीं भी लर्न है तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, और इस ट्रिक के माध्यम से अगर आप नहीं भी लर्न होगा तो एग्ज़ाम में आप इस टेबल को बना सकते हो आसानी से। कैसे, देखोगे आपको पहले यहाँ पे 0, 30, 45, 60 एंड देन 90 डिग्री लिख लेना है। उसके जो स्टार्ट करोगे फर्स्ट वाला जो होगा साइन को रखोगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे देखोगे, यहाँ लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 वैल्यू है, 0 से स्टार्ट करोगे 4 तक आया, लास्ट में क्या आया 4 आया ना, इसी 4 से सभी को डिवाइड कर दोगे इस तरह से, और उसके बाद रूट लगा दोगे, और रूट से जो बाहर आएगा वैल्यू वो होगा साइन का। कंसेप्ट क्लियर, तो करना क्या है, 0 से लेकर 4 तक लिखोगे टोटल 5 को, और उसके बाद जो लास्ट में आया 4, 4 से डिवाइड कर दोगे, रूट लगा दोगे, और जो पहला वैल्यू जो होगा वो साइन को लिखना है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन से स्टार्ट करोगे, और ये 0/4 यानी 0 ही होगा, 1/4 यानी 1/2, ये कैंसिल करोगे तो 1/2 यानी 1/√ से तो नहीं निकलेगा, यानी 1/√2। अब ये देखोगे 4 तो बाहर आ जाएगा 2, बट √3 तो नहीं आएगा, इसलिए √3/2, 4 कैंसिल यानी 1। एक वैल्यू लिखने के बाद बाकी अब इसका काम नहीं है, अब क्या करना है, कोस के लिए यहाँ से उल्टा कर दोगे, ये हो गया 1√3/2, ये हो गया 1/√2, ये 1/2 यहाँ, उसके बाद 0। टेन के लिए क्या होगा, तो टेन के लिए मैंने क्या बताया था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है ना, तो देखोगे अब यहाँ पे साइन बाई कोस, आपको ये लाइन अब डिवाइड सोच लो, तो 0/1 यानी 0, ये 2 कैंसिल यानी 1/√3, ये √2 कैंसिल यानी 1, 2 कैंसिल √3, 1/0, हाँ आप देखोगे 1/0, 1/0 मीन्स होता है नॉट डिफाइंड,
इसको इस तरह से सिंबल में भी हम लोग इन्फिनिट के सिंबल में भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ये सिंबल में लिखो या फिर आप नोट डिफाइंड भी लिख सकते हो, क्लियर। तो अब ये कोट किसका उल्टा है, 10 का, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये मैंने सिंबल में लिख दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 0 यहाँ। कोसेक हो गया आपका किसका उल्टा होता है, तो बोलोगे साइन का, 1/sin। तो ये हो गया 1/sin मीन्स 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। अब इसको उल्टा कर दो, 2 ये ऊपर कर दो √2, इसको ऊपर नीचे कर दो 2/√3 और 1/1 करोगे तो 1 ही होगा, ठीक है। देखोगे और एक बात, साइन के लिए ये वैल्यू आया तो कोस के लिए क्या किए, यहाँ से आप उल्टा कर दिए है ना, तो कोसेक के लिए ये वैल्यू आया तो सेक के लिए क्या होगा, यहाँ से उल्टा कर दोगे, ये 1 2/√3 √2 2 एंड देन नॉट डिफाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो कुछ आइडेंटिटीज को देखेंगे, तो या फिर आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखोगे इसी फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला भी निकलेंगे। अब जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसको उस साइड ले गए तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अगर बोले तो रूट लगा दोगे यानी रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से आप फॉर्मूला को भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटीज होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी यूज़ करके हम लोग बहुत सारे सम्स को भी करेंगे इस फॉर्मूला को यूज़ करके। तो जैसे अभी 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो -tan स्क्वायर थीटा। जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे जहाँ यूज़ करना होगा मैं आपको वहाँ पे कंसेप्ट के साथ क्लियर भी करवा दूँगा, ठीक है। तो ये तो था आज का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, 8.1 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।